come on, I've भाई तेरा बॉलर है लोका यहाँ पे तुम लोगों को मैं यहाँ पे आ जाया हूँ अपनी टीवी के बारे में बात करने के लिए तो सबसे पहले शाउट आउट टू इनोवा एंटरटेनमेंट्स जिसने पूरे ईपी पे बहुत सारा जान पैसा और मेहनत टाइम सब लगाया मेरे जैसे एंड ये ईपी मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है क्योंकि पूरे क्वारंटीन में हम लोग ने मैंने मेरे प्रोड्यूसर ने काफी सारे लोगों ने मिलकर जैम करके काम करके बीट्स पे मेहनत कर करके रिकॉर्डिंग करके नए साउंड्स निकाल के फिर नए वॉइस ट्राई करके नए नोट्स ट्राई करके जो मैंने लाइफ में कभी ट्राई नहीं किए नए बीट्स जो मैंने लाइफ में कभी ट्राई नहीं किए जो शाउट टू आकाश का है अगर तुम्हें जानते हो आकाश शाउट टू आकाश की मैं एक सर्टन वे में जा रहा था बट आकाश आने के बाद म्यूजिक में एक नया मेलोडी आ गया नया नए बीट्स आए थोड़े हुआ कुछ अलग हुआ तो मैं भी एक नया नए फोन पर मैंने ऑन किया शाउट टू आकाश और ये पूरे ईपी के बारे में मुझे ये बोलना है कि ईपी का नाम है ऑटोबायोग्राफी और रिलीज हो रहा है 8 अक्टूबर को इनोवा के चैनल पे और स्ट्रीम हर जगह रहेगी पहला गाना जो रिलीज हो रहा है वो है राड़ा तो राड़ा के बारे में मैं ये बोलूँगा कि राड़ा एक बहुत रांटी सॉन्ग है एक रांटी मतलब एक बॉम्बे की फील हो गया ना लाइक यू नो आप बिल्कुल हो जाती है राड़ा है उसके बारे में बहुत सारे लोग जो अटैक करना चाहते हैं आर्टिस्ट को इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को जिन लोगों को लगता है आर्टिस्ट के पास पावर नहीं क्योंकि हर एक एक इंडिपेंडेंट आवाज है जो म्यूजिक में आ चुकी है और गाना बहुत ही मजेदार है बीट कुछ अलग है लोग कुछ भी नहीं बताऊंगा जब जैसे गाना आएगा तो लोग देख लेना क्योंकि बीट बहुत ज्यादा अलग है जो भी म्यूजिक आ रहा है इंडियन हिप हॉप में आई थिंक मेरे ईपी जैसा जोन किसी ने आज तक ट्राई भी नहीं किया नहीं कोई ट्राई कर पाएगा नहीं जैसे ही ईपी ड्रॉप होगा जाके चेक करने का और मचाने का ईपी का नाम है ऑटोबायोग्राफी और रिलीज हो रहा है 8 अक्टूबर को छह गाने एक गाने ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं जिसका नाम है भाई तेरा बॉलर है बॉलर है भाई तेरा बॉलर है बॉलर है तो बॉलर है के बारे में भी बोलना चाहूंगा लोग बहुत ये बोले थे कि ये बॉलर और स्पेलिंग ये वो ये खाली वर्ड प्ले सॉन्ग था जो वीडियो में भी हमने वर्ड प्ले किया मैं बस इतना ही बोलूंगा समझदार को समझ जाएगा और जिसको ब्रेकडाउन करना है वो जिंदगी भर ब्रेकडाउन करते रहते हैं बाकी मेरे दूसरे गाने के बारे में बोलना चाहूंगा जो यू नो द वाइब्स और यू नो द वाइब्स हम लोगों को कि ऑलरेडी रिलीज हो चुका है बट इसका वीडियो मैंने टेक डाउन किया क्योंकि वीडियो में दो तीन लोग थे जिन लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन था मेरे पर अभी वो लोग के साथ वो रिलेशन नहीं है तो वो लोग भी अफेंड हो रहे थे वीडियो में होने के लिए और मुझे भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था वो मुझे जब भी वो लोग मेरे वीडियो में आए तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वीडियो थोड़ा खराब हो रहा है तो इसका वापस वीडियो आएगा और ये भी वीडियो आएगा इन हो रहा है इसमें भी कुछ नया किया थोड़ा फ्रेश वेस्ट साइड जोन दिया है और बहुत बहुत लिट म्यूजिक है मतलब बोरिंग नहीं है ये सुनते रह सकते हो कहीं भी सुन सकते हो गाड़ी में सुन सकते हो क्लब में बजा सकते हो स्टेडियम में बजा सकते हो घर पे बैठे बैठे बच्चों को पढ़ाते हुए बजा सकते हो ऐसा म्यूजिक है और गुच्ची और नहीं कि तुम लोगों को तो मालूम है गुच्ची और नहीं और तुम लोगों को शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो भी गया कि गाने के बारे में गाने कैसे हैं बट ऑब्वियसली तुम जैसे गाना आएगा तुम लोग चेकआउट मारो और मचाओ और इसके लास्ट गाने के बारे में बोलूँगा लास्ट गाने का नाम जो सबसे मेरे मेरे दिल के सबसे करीब है इट्स द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट बिकॉज गाने का नाम ही धोखा है तो ये गाना मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि लोगों को लगता है कि जब भी मुझे मैसेज करते हैं मतलब हमेशा सबसे पहले तो एक स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं फिर मुझे बोलते हैं कि मैं किसी के सॉन्ग का नाम नहीं मेरा ये बट मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि लोका एक संस्कृत वर्ड है जो मेरे नाम से आया मेरा नाम है लोक उससे उसको मैंने बनाया लोका मीनिंग सेम है मीनिंग है वर्ड इज वन इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल संस्कृत वर्ड जो लोगों को नहीं मालूम तो ये गाना मैंने अपने नाम को जस्टिफाई और जस्टिस देने के लिए गाना बनाया और ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल सॉन्ग मेरे पूरे ईपी में तो इसको जरूर चेक करना और बाकी ईपी से ज्यादा ये एक स्टोरी है मैंने आज तक कभी अपनी ईपी ड्रॉप नहीं की मैं खाली सिंगल्स ड्रॉप करता था मतलब खाली कोलैब्स ड्रॉप करता था बहुत आर्टिस्ट का मैंने कोलैब किया है फिर बहुत आर्टिस्ट को मुझे जज किया है मैंने अपने नए दिन में म्यूजिक बनाया था फिर मुझे म्यूजिक के कारण थोड़ा बहुत मालूम था फिर मेरे गाने ब्लू अप हो चुके थे ऐसे छोटे से शॉर्ट लेके गाया और उसके बाद थोड़ा स्टार्टिंग में लव मिला फिर आई थिंक जैसे जैसे तुम बढ़ते रहते हो लाइफ में या जैसे तुम्हारा एक नाम होता है या तुमको थोड़ा बहुत फेमस फेम मिलता है तो बहुत सारे लोग बदलते आते हैं आजू बाजू अच्छे के लिए भी बदलते हो बुरे के लिए भी बदलते बट ये आई थिंक एक प्रोसेस है और
ये प्रोसेस को मैंने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया और मैं लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, मैं खाली अपने आप पर मेहनत करता हूँ, म्यूजिक निकालता हूँ और खुद पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि म्यूजिक पे। तो ये पूरा ईपी मैंने खुद को बेटर बनाते बनाते मतलब जो भी कोरोना का टाइम था इसमें मैंने खुद पर काम किया, खुद को और अच्छा बनाया, तब जाके ये ईपी आया है। डेफिनेटली ये ईपी मेरे जितने ही म्यूजिक मैंने अभी डाले सबसे अलग है, ये म्यूजिक शायद मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाता लेकिन मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ। तो मजा आएगा अगर तुम लोग देखोगे ये ईपी और बहुत मेहनत है इसमें, बहुत सारे इमोशन है सारे ईपी में, सो मजा आएगा तुम लोग के लिए भी, बहुत अच्छा है, मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस मिल गया एंड गारंटी पूरे इंडियन हिप हॉप म्यूजिक सीन के। सो शाउट आउट यू नो द वाइब्स आइब्स ईपी ऑटोबायोग्राफी और के लिए कम ऑन गाइस। जब मैं जानी जे तब दी गया तू खुश मैं उन यादों के बिना हूँ, आजा मैं सड़कों से मिला दू दोस्त मेरे भाई बने बिना खून। जब मैं था नीचे तब दी गया तू खुश मैं उन यादों के बिना हूँ।